नहीं है, नहीं कर सकते। ये दल तो इन माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं और इसलिए माफिया और अपराधी सिर चढ़ करके प्रदेश की जनता का जीना हराम कर दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम कर दिया। पहले कावड़ यात्रा निकलती थी, ये हमला करते थे। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर से मैं साथ साथ भेजता हूं हेलीकॉप्टर को, भी देखते रहो कावड़ यात्राओं पे पुष्प वर्षा करना। लेकिन अगर किसी ने किसी कावड़ यात्रा को निर्दोष व्यक्ति को छेड़ना तो ऊपर से उसका काम तमाम कर देना। भाइयों बहनों, पिछली सरकार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती थी और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन एक दंगा। क्या पिछले 5 साल में कोई दंगा हुआ? नहीं। दिल्ली में जब दंगा हो गया तब भी यहां दंगा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि मालूम था यहां दंगा करेंगे तो पूरा सब कुछ बिक जाएगा, बोरिया बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर कर सके। उत्तर प्रदेश अब प्रगति करेगा, हाईवे ऐसे बनेंगे जैसे आपके सामने हाईवे बन रहा है। ये हाईवे भी तो सपा ने रोका हुआ था, नहीं बनने दे रही थी। भारत सरकार पैसा देना चाहती थी और सपा इसलिए नहीं बनने देना चाहती थी क्योंकि वह अपना मनपसंद ठेकेदार नहीं दे पा रहा था। आपके रमाला जी भी और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी भी परेशान थे, कहते थे इस सड़क कैसे बने सहारनपुर से लेकर के दिल्ली तक। मैंने जब इसकी जांच की तो पता लगा कि सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपए का एक वो बना के रखा हुआ है। तो मैंने कहा जनता का इसमें क्या दोष जी? कहा साहब 800 करोड़ कौन भरेगा? मैंने कहा भाई देखो 800 करोड़ कोई नहीं भरेगा, मैं भरूंगा, चिंता मत करो, लेकिन सड़क नहीं रुकनी चाहिए। भाइयों बहनों, कार्य करने के लिए दम चाहिए। अपराधियों के सामने दुम दबा करके जो लोग घिघियाते थे वे सत्ता का संचालन नहीं कर सकते। वे लोग, उनको बोलो वे अपने परिवार का ही संचालन कर लें। उन लोगों को सत्ता से दूर ही रखना, और सत्ता से दूर जैसे कोयले को चिमटा पकड़ करके दूर किया जाता है ना, क्योंकि हाथ से छोगे तो हाथ जलाएगा या गरम होगा तो हाथ जलाएगा और अगर बुझा होगा तो हाथ को काला करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा और उसके गठबंधन को वोट देने का मतलब जो निर्दोष लोग मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए थे उनका अपमान करना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।